यस, अटरिया मेडिका पढ़ रहे थे हम, लास्ट मेडिसिन वी ऑल लर्न। बोलिए। कल क्रिया का, यस वेरी नाइस। सो कल क्रिया का हमने देखा था एंड टुडे वी विल लर्न सम फ्यू मेडिसिन्स। ओके, सो टुडे हम मैथमेटिका का लास्ट लेक्चर लेंगे, फिर कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, फिर बाद में और बीच में कुछ मैथमेटिका के हम ड्रग्स पढ़ेंगे। ओके, सो इसमें का बचा हुआ सेशन आज कंप्लीट कर लेते हैं। बीच बीच में हम मैथमेटिका भी पढ़ते रहेंगे और थोड़े और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे। यस, सो so, 10 दिन क्या किया आप लोगों ने? आप लोग भी बाहर गए थे। यस सर, यस 10 दिन की छुट्टियां मनाएंगे। सर, तो टुडे वी विल लर्न द पिक्रिक एसिड, एक्यूट एंड क्रॉनिक यूज ऑफ पिक्रिक एसिड। सो बेसिकली ऑल एसिड्स आर हैविंग ट्रिमेंडस वीकनेस, प्रोफाउंड वीकनेस, डेबिलिटी, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। सो पिक्रिक एसिड इन एक्यूट द कॉमन सिम्टम ऑफ ऑल एसिड इज वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड। एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक, यस, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड है, पिक्रिक एसिड है, इनमें मेंटल शॉक। सो मेंटल माइंड इज सेंसिटिव टू जो भी, जैसे सडन कुछ होता है, सडन कुछ घटनाएं घटती है तो उसके लिए बहुत सेंसिटिव होता है। सो एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल वर्क, एक्सट्रीम मेंटल वर्क, देन मेंटल एक्सर्शन, सेक्सुअल एक्सेस। यस, सो एसिड फॉस, पिक्रिक एसिड हैविंग एक्सेसिव यूज ऑफ सेक्स और सेक्सुअल एक्सेस, हैविंग डिजायर फॉर एक्सेसिव सेक्सुअल एक्सेस, देन मैस्टर्बेशन, इमिशन, आई फटीग, डायरिया आफ्टर। सो दीज आर द कॉजिटिव फैक्टर्स फॉर पिक्रिक एसिड। तो इसमें बहुत सारे सेम है फॉस्फोरिक एसिड के, तो फिर फॉस्फोरिक एसिड और पिक्रिक एसिड में बहुत सिमिलैरिटी है इन द कॉजिटिव फैक्टर्स। देन वीकनेस विथ ड्रॉजीनेस, पिक्रिक एसिड में वीकनेस विथ ड्रॉजीनेस होता है और एसिड फॉस्फोरिक एसिड में वीकनेस विथ वर्टाइगो, फेंटिंग होता है। देन प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड विथ ड्रॉजीनेस, यस प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, जैसे ही माइंड बिकॉज ऑफ मेंटल वर्क, बिकॉज ऑफ मेंटल एक्सर्शन, तो मेंटल वीकनेस आएगा, माइंड बिकम वीक एंड आफ्टरवर्ड द बॉडी फील्स प्रोफाउंड वीकनेस एंड हैविंग ड्रॉजीनेस।
सो बहुत से पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि नींद आती है, बहुत नींद आती है, नींद लगती नहीं, ऐसे आंखें भारी हो जाती है, ऐसा लगता है कि कब जाके सो जाओ, लेकिन जाने के बाद नींद नहीं लगती। ये भी एक सिम्टम पिक्रिक एसिड का है। देन नो एंगर। अब देखो यहाँ पे जैसे पिक्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड में बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, लेकिन एक डिसिमिलैरिटी है यहाँ पे, ये है कि एसिडिक फॉस्फोरिक एसिड हैविंग ट्रिमेंडस एंगर, एलिमेंट फ्रॉम एंगर है आल्सो फॉस्फोरिक एसिड कवरिंग द आयोटा एंगर वेन ऑब्लिक टू आंसर। सो वो फॉस्फोरिक एसिड का है, लेकिन पिक्रिक एसिड में नो एंगर, नो ग्रीव, नो रोल ऑफ इमोशंस। दैट मीन्स पिक्रिक एसिड में कोई भी इमोशनल फैक्टर नहीं आता है, ये इमोशन की वजह से हुआ, इमोशन मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हुए इसलिए हुआ, नो रोल ऑफ इमोशंस कि मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया था, नो, यहाँ पे एलिमेंट फ्रॉम इमोशंस नहीं है। सो नो रोल ऑफ इमोशंस। देन इरिटेबिलिटी, इरेसोल्यूशन, थॉट्स रैपिड। यस, पिक्रिक एसिड का एक ये बहुत अच्छा सिम्टम है कि रैपिड क्विक वॉन्डरिंग एंड वैनिशिंग, तो माइंड में इतने ट्रिमेंडस थॉट्स होते हैं और इतने रैपिडली क्विकली चेंज होते हैं, वॉन्डरिंग होते हैं कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मैं सोचते सोचते इतने दूर तक पहुंच जाता हूँ, इतना फिर आगे का सोच लेता हूँ, अगर मुझसे मुझे किसी ने गुस्सा दिलाया या फिर मेरे साथ कुछ हुआ तो फिर मैं उसके एंड तक चले जाता हूँ सोचते सोचते। दिस इज द पिक्रिक एसिड। सो थॉट्स रैपिड क्विक वॉन्डरिंग एंड वैनिशिंग। देन दिस इज द एक्यूट स्टेज, बट इन क्रॉनिक पिक्रिक एसिड हैविंग ट्रायड ऑफ वीकनेस। तो ट्रायड ऑफ वीकनेस में सेक्सुअल वीकनेस, सेक्सुअल डिजायर बिकम एक्सेस, सो एक्सेस सेक्सुअल डिजायर, एपिक्स नर्व एंड स्पाइन वीकनेस। तो तीन मेन चीजें हैं यहाँ पे वीकनेस के लिए, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एक्सेस, देन नर्व एंड द स्पाइन। तो स्पाइनल वीकनेस, जैसे कि मेरे हाथ पैर गल जाते हैं, ऐसा लगता है कि हाथ पैर में जान नहीं, ऐसा मतलब कभी कभी तो इतने हाथ पैर ऐसे ठंडे हो जाते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि मेरे हाथ पैर में जान नहीं, मैं उठा भी नहीं सकता। बहुत बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि नींद में मेरे ऐसा लगता है कि मेरे पैर में जान नहीं, मेरे हाथ में जान नहीं, मैं उठा भी नहीं पाता हूँ। दिस इज द बिकॉज ऑफ नर्व्स वीकनेस। यस, देन स्पाइन वीकनेस। बहुत बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि बैक पेन और लंबर पेन में इतना वीकनेस होता है कि मैं झुक गया तो सीधा नहीं हो पाता हूँ, बहुत ताकत लगती है और मैं कर नहीं पाता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ, बैठ नहीं पाता हूँ। दिस इज स्पाइन्स वीकनेस। लैक्स विल टू अंडरस्टैंड। यस, लैक्स विल टू अंडरस्टैंड। ये फॉस्फोरिक एसिड में भी मिलेगा बिकॉज ऑफ माइंड टायर्डनेस। तो कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता, क्योंकि टायर्डनेस ऑफ माइंड। इरेसोल्यूट अबाउट ट्राइपल्स, देन वीक बॉडी माइंड एक्टिव। अब फॉस्फोरिक एसिड में माइंड वीक होता है, देन बॉडी बिकम बॉडी एक्टिव होती है, देन जैसे जैसे माइंड वीकनेस बढ़ेगा, देन आफ्टरवर्ड बॉडी बिकम वीक। सो वीक बॉडी माइंड एक्टिव, देन प्रोस्टेशन ऑफ माइंड आफ्टर शॉक, प्रोस्टेशन ऑफ माइंड आफ्टर शॉक, केयर्स ओवर स्टडी। यस, मेंटल एक्सर्शन कॉज द फटीग इन पिक्रिक एसिड। सेक्सुअल एक्सेस, आल्सो हैविंग एक्सेस सेक्सुअल डिजायर इन पिक्रिक एसिड। लैशियस बट नो इमोशंस, लैशियस बट नो इमोशंस, दिस इज द पिक्यूलियर सिम्टम ऑफ पिक्रिक एसिड। लैशियस होता है लेकिन नो इमोशंस, सेक्सुअल डिजायर वायलेंट। यस, तो मेन फोकस जो है पिक्रिक एसिड का, मेन फोकस है ऑन द सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड द एक्ट ऑफ सेक्स।
देन लैक्स मॉरल्स बिकॉज ऑफ नो इमोशंस. इमोशंस नहीं होने के वजह से यहाँ पे मॉरल्स भी लैक ऑफ होते हैं. यस. देन मैस्टर्बेशन, लिबर्टिनिज्म, अगेंस्ट मैरिज. यस, अगेंस्ट मैरिज. तो जो लोग मैरिज के अगेंस्ट होते हैं, बहुत मुझे शादी ही नहीं करनी है. एक मैं ये पहले फिनिश कर लेता हूँ, फिर एक केस बोलता हूँ. अगेंस्ट मैरिज होते ही है. देन एंजॉय विद मेनी मेन. यस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉरल्स, बिकॉज ऑफ नो इमोशंस. इनमें कोई इमोशंस नहीं होंगे. जैसे कि बहुत सारे गर्ल्स होते हैं या फिर बॉयज होते हैं जिन जो इतने उन जैसे कि एडल्टरस कहेंगे, या फिर एक के साथ रिलेशन नहीं होते हैं, वो चार चार पांच पांच गर्ल्स के साथ रिलेशनशिप में होते हैं. दिस इज पिक्रिक एसिड. बिकॉज ऑफ किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ओनली द फिजिकल अट्रैक्शन. दिस इज द पिक्रिक एसिड. उसी टाइप के कुछ गर्ल्स होते हैं जिनमें जिन जो गर्ल्स बॉयज को घुमाते रहते हैं, किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं, किसी के साथ रियल लव नहीं, लेकिन बहुत सारे रिलेशंस उनके होते हैं. कुछ मैरिड वुमन्स भी होते हैं जिनके बहुत सारे रिलेशंस होते हैं. ऐसी एक केस मेरे पास थी जिसे मतलब एसटीडी था, और उसने जब हिस्ट्री बताया कि बिकॉज ऑफ lack of sexual desire in her husband, तो उसके किसी person के साथ relation आए और बाद में मतलब उसकी desire इतनी थी कि भाई वो person के साथ, फिर और ऐसे उसके बढ़ते गए, तो उसके बाद उसे STD problem start हुआ. लेकिन पिक्रिक एसिड में और एक बहुत अच्छी बात है कि वो जो कंप्लेंट कर रही थी कि पूरे सर्विक्स में उसे अल्सरेशन होता था, और आफ्टर क्वेश्चन और सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद उसे बहुत ब्लीडिंग होता था. देन इतना उसमें पेन रहता था उसे कि उसकी वजह से सेक्सुअल एक्ट भी कंप्लीट नहीं होता था. तो वो केस पिक्रिक एसिड से. और एक उसने प्रोमिनेंट सिम्टम बताया था कि जैसे ही सेक्स कंप्लीट होता है तो उसे बहुत वीकनेस फील होता था, बहुत बहुत वीकनेस. तो जैसे पेशेंट पूछता है कि भाई ये इस वजह से हो रहा है क्या, ये बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एक्ट की वजह से वीकनेस बढ़ता है क्या. बहुत सारे बॉयज भी ये कंप्लेंट करते हैं. जैसे कि आज एक पेशेंट आया तो मैस्टर्बेशन और जैसे कि नाइट फॉल्स की वजह से बहुत वीकनेस आता है, बोले मुझे अंधेरी आती है. लेकिन ऐसा नहीं कि इस वजह से ही ऐसा होता है, उसके पीछे भी बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं. तो मोस्टली ऐसे केसेस में एसिड्स, जैसे एसिड फॉस, पिक्रिक एसिड, हमने थेरापेटिक्स जब कॉलेज में पढ़ते थे तब भी ये पढ़ा है कि पर्टिकुलरली जिनाइटल ऑर्गन्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए एसिड्स बहुत यूजफुल ड्रग्स है, यूजफुल, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं. तो पिक्रिक एसिड में पर्टिकुलरली हमें ये ध्यान में रखना है कि जिनके बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं और उसकी वजह से जिन जिनमें बहुत सारे बहुत सेक्सुअल एक्सेस सेक्सुअल डिजायर होती है, उनके लिए पिक्रिक एसिड, एसिड फॉस बहुत अच्छे ड्रग्स है. तो ऐसी हिस्ट्री बहुत कम मिलती है, पेशेंट इतने फ्रैंकली नहीं बोलते हैं. लेकिन कुछ पेशेंट बिकॉज ऑफ द जो कंप्लेंट की वजह से, उनके प्रॉब्लम की वजह से थक जाते हैं क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं होते हैं. बहुत सारे उन्होंने ड्रग्स खाए होते हैं, मेडिसिन खाए होते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स की रिपीटेडली रिलैप्स होते रहते हैं. तो ऐसे पेशेंट में हिस्ट्री निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कई बार पट से खुद होके भी बता देते हैं. और ऐसे इसमें अगर इस टाइप की हिस्ट्री मिलती है तो ये प्रोमिनेंटली और बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिए कि पिक्रिक एसिड इज द बेस्ट रेमेडी फॉर
जो लोगों को कोई इमोशंस नहीं होते हैं अबाउट द सेक्स, अबाउट द पार्टनर, उनके लिए पिक्रिक एसिड बहुत अच्छी रेमिडी है. सो नो इमोशंस, ये हमें पिक्रिक एसिड में ध्यान में रखना है. ओनली द फिजिकल अट्रैक्शंस, यस. सो एंजॉय विथ मेनी मेन और मेनी गर्ल इज पिक्रिक एसिड. एपेक्स नर्व्स एंड स्पाइंस, यस. तो ये भी एक कंप्लेंट होती है बहुत सारे लोगों की कि आफ्टर सेक्स कमर भर के आती है, फिर बहुत देर तक लेटे रहना पड़ता है, मैं उठ नहीं पाता हूँ, या फिर जैसे कि सेक्सुअल एक्ट के वक्त कमर में दर्द होता है, फिर सही तरह से एंजॉय नहीं कर पाते. इस तरह से जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं उनके लिए पिक्रिक एसिड बहुत बेहतर रेमेडी है. सो हीट हेवी विक इंफ्लामेशन ऑफ स्पाइन. सो हीट एंड हेवी फीलिंग इन द स्पाइन. जो लोग, जो पेशेंट बोलते हैं कि कमर भर के आती है, कमर भर के आना, दैट इज द हेवी विक फीलिंग इन द स्पाइन. देन बर्निंग स्पाइन फ्रॉम स्टडी, यस. जो बच्चे बहुत देर तक स्टडी करते हैं, बहुत देर तक चेयर पे बैठते, देन फीलिंग पेन इन द स्पाइन, पेन इन द लंबर, बर्निंग बर्निंग पेन, दिस इज द पिक्रिक एसिड. एटेक्सिया फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस, यस. तो घूम फिरा के आपको ऑल कंप्लेंट्स रिलेटेड टू सेक्स पिक्रिक एसिड भी मिलेंगे. देन स्टैंड्स विथ लेग्स वाइड अपार्ट, यस, बिकॉज ऑफ द बर्निंग और सम कंप्लेंट्स ऑफ द जिनाइटल ऑर्गन. सो स्टैंड्स विथ लेग्स वाइड अपार्ट. देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड मोटो न्यूरॉन डिजीज. मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये बहुत अच्छी रेमिडी है मोटो न्यूरॉन डिजीज के लिए, बिकॉज द स्पेशल एक्शन ऑन स्पाइन एंड नर्व्स. देन टॉटरिंग गेट, यस, एंड न्यूरालजिक हेवीनेस इन द लेग्स. सो बहुत अच्छी रेमिडी है पिक्रिक एसिड. नाउ द पायरोजन. सर अटैक्सिया का थोड़ा बताइए। एटैक्सिया में आप देखो पर्टिकुलरली रिलेटेड टू लेग्स होता है, लंबर होता है. तो एक अटैक्सिया का पेशेंट मुझे याद है, मेरे स्टार्टिंग प्रैक्टिस के स्टार्टिंग के दिनों में ही मैंने एक पिक्रिक एसिड से उसमें सिम्टम लिया था. यही लिया था मैंने कि नर्व एपेक्शन एक रूब्रिक या फिर कुछ तभी सिपिलिटिक नर्व टाइप का कुछ तभी रूब्रिक था, मैंने लिया था. और वो पेशेंट पिक्रिक एसिड से बहुत अच्छा उसे रिलीफ मिला. और एक रेमिडी है जैसे कि काली ब्रोम, जो अटैक्सिया में बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है, और एक पिक्रिक एसिड. तो वो पेशेंट स्टार्टिंग में मैंने वो पेशेंट को काली ब्रोम ही दिया था, लेकिन काली ब्रोम से मुझे वो पेशेंट में रिलीफ नहीं मिला था एटेक्सिया के. देन पिक्रिक एसिड से उसमें मुझे बहुत अच्छा रिलीफ मिला. और वो केस मैं देखता हूँ, मेरे पास अगर होंगे उसके पूरे सिम्टम्स और रेपरडाइजेशन तो मैं कल ढूंढता हूँ, अगर कल मिली तो मैं कल बताऊंगा वो केस, यस. सर टोटरिंग गेट कैसा होगा सर? टॉटरिंग गेट, जैसे कि पैर में अगर नमनेस होता है, नमनेस होने के बाद गेट कैसे रहेगा? और जो जैसे कि झटके देके चलते हैं या फिर गिरते पड़ते चलते हैं, दैट इज द टॉटरिंग गेट, यस. तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, जैसे कि एटेक्सिया, टॉटरिंग गेट, दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली नर्व्स, नर्व प्रॉब्लम. देन पायरोजन. पायरोजन वेरी चिली रेमेडी, वेरी वेरी चिली रेमेडी, सबसे चिली रेमेडी है पायरोजन. देन एक्यूट स्टेट में टॉक्स हास्टी. तो पायरोजन के लिए दो बातें हमेशा ध्यान में रखना, एक ट्रिमेंडस चिली, नंबर वन चिली रेमेडी ऑफ ऑल मदर अमेरिका इज पायरोजन. सो चिली देन हास्टी.
स्पीड फास्ट, सो टॉक हास्टी, इनका टॉकिंग इतना फास्ट होता है कि किसी के समझ में नहीं आता है। वो आपने क्वेश्चन पूछा और पेशेंट ने आंसर दिया। जनरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन दोबारा पूछना पड़ता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हम दोबारा पूछते हैं, लेकिन इस पेशेंट में, बायरोजन के पेशेंट में, हमें आंसर दोबारा पूछना पड़ता है कि समझ में नहीं आया, आप दोबारा बोलो। सो दिस इज बायरोजन। सो टॉक हास्टी, ऑफेंसिव डिस्चार्जेस, बेड फील्स हार्ड बट वार्म्थ ऑफ बेड एमिनरेट्स। तो बेड फील्स हार्ड, जैसे कि आर्निका में ये सिम्टम है, बेड फील्स हार्ड, बट यहाँ पे पायरोजन में बेड फील्स हार्ड है लेकिन उसके साथ वार्म बेड फील्स और गेट्स एमलरेशन और बेटर फीलिंग। देन रैपिड पल्स अबो 140 पर मिनट, एवर्जन टू एग्रीएबल थिंग, ये बहुत अच्छा सिम्टम है पायरोजन का, एवर्जन टू एग्रीएबल थिंग। जितने भी एग्रीएबल थिंग होते हैं कि जो हमें मतलब हम उन चीज को नकार नहीं सकते, पर्टिकुलरली उसी चीज के लिए एवर्जन होता है। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं मंदिर में कभी नहीं जाता, मैं भगवान के पैर कभी नहीं पड़ता, मैं भगवान की कोई चीज खाता नहीं, मैं कभी प्रसाद खाता नहीं, मैं कभी किसी भगवान के मतलब भंडारे में खाना खाने नहीं जाता हूँ। मतलब जो चीजें एग्रीएबल है, जिस चीज को पूरी दुनिया मानती है, उस चीज का इन्हें एवर्जन होता है, हेट होता है। दिस इज द पायरोजन। सो एवर्जन टू एग्रीएबल थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल प्रसाद, गॉड प्रसाद, यस। एंट्री पॉइंट फॉर क्रॉनिक पायरोजन, पीपल हु थिंक फास्ट। सो पायरोजन, इट इज अ वेरी फास्ट रेमेडी, पीपल हु थिंक वेरी फास्ट, टॉक वेरी फास्ट। व्हेन पेशेंट आंसर कम्स बिफोर योर क्वेश्चन इज कंप्लीट, आपने क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं किया उसके पहले उसका आंसर आ जाता है, दिस इज द पायरोजन। पीपल हु टॉक फास्ट व्हेन वी नीड टू आस्क अ क्वेश्चन ट्वाइस बिकॉज वी कैन नॉट गेट यूज टू द स्पीड ऑफ टॉक, उनकी इतनी स्पीड होती है कि आप उस आंसर को समझ ही नहीं पाते, उसने क्या बोला, क्या बताया, आप मतलब आप समझने के पहले उसका आंसर फिनिश हो जाएगा। दिस इज द पायरोजन। पीपल हु कैन नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिव माइंड, माइंड इतना एक्टिव होता है बिकॉज ऑफ फास्ट माइंड, फास्ट थिंकिंग। सो तो इतने थॉट्स, इतने फास्ट थॉट्स आते हैं कि जिसकी वजह से वो सो ही नहीं पाता है बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिव माइंड। सो पीपल विथ इनॉर्मस नोशंस, दे थिंक इनॉर्मसली अबाउट देयर वेल्थ। इतने सारे थॉट्स और इतने सारे इनॉर्मस नोशन, मतलब जो आप बिलीव नहीं कर सकते, जिस चीज को आप मान भी नहीं सकते, उस टाइप के। सो दे थिंक इनॉर्मसली अबाउट देयर वेल्थ। बहुत से लोगों को यह आदत होती है कि ख्याली पुलाव पकाना, जैसे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरे पास ये पैसा आएगा, मैं पैसा है तो ये करूंगा, पैसा है तो वो करूंगा, लाइक दिस। सो इनॉर्मसली अबाउट देयर वेल्थ और कंटिन्यूअसली थिंक अबाउट देयर वेल्थ, यस। दे थिंक इनॉर्मसली अबाउट देयर बॉडी आल्सो, सो वेल्थ, बॉडी, मनी। दे थिंक इनॉर्मसली अबाउट देयर कैपेबिलिटीज ऑल्सो। तो ये जो सिम्टम्स पायरोजन में दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दे थिंक इनॉर्मसली अबाउट देयर वेल्थ, अबाउट देयर बॉडी, अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट देयर कैपेबिलिटीज, पीपल हु स्पेंड मनी इनडिस्क्रेटली, यस, पीपल हु स्पेंड मनी इनडिस्क्रेटली, कोई सोच विचार करके नहीं, पैसा आया। बहुत से पेशेंट ये कंप्लेंट करते कि मेरे पास, मेरे हाथ में पैसा रुकता नहीं, है ना, मेरे पास 2 करोड़ दे दो, मैं 2 घंटे में फिनिश करके आऊंगा। दिस इज द पायरोजन। सो अदर रेमेडीज बराइट असल,
पीपल हु फील दे हैव लॉट ऑफ मनी बट डोंट ब्रैग अबाउट इट बट यूज इट विद इनडिस्क्रिशन। तो कहाँ खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना है, कोई थिंकिंग नहीं, कोई सोच विचार नहीं, बस खर्चा करते जाओ। जो चीज जैसे कि एक सिंपल लैंग्वेज में कहने का बोला तो 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में लेके आना, दिस इज पायरोजन। बहुत बार ये हम बहुत लोगों के मुंह से सुनते हैं कि इन्हें कोई अंदाज नहीं होता है, इनको कोई कुछ नहीं समझता है मार्केट का, लेन देन का, है ना, इनको कोई भी फंसाता है, इनको कोई भी लूट लेता है। जैसे कि 100 की चीज 200 में पिना देंगे, है ना, 1000 की चीज 5000 में लेके आएंगे। दिस इज द पीपल हु फील दे हैव लॉट ऑफ मनी बट डोंट, है ना, उनके उनको ऐसा लगता है कि बहुत पैसे हैं। जैसे कि कोई चीज की जरूरत नहीं होती है। आजकल एक फैशन हो गई है कि मॉल में जाओ, है ना, तो वहां पे अनवांटेड चीजों की खरीदारी होती है कि जो, क्योंकि हमें वो चीजें आंखों से दिखती है, और वहां पे अगर बराटा सल्फ या फिर पायरोजन वाला पेशेंट रहा तो वो इतने सारी चीजें ले लेता है जिनकी उन्हें कभी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, ये रहना चाहिए। तो वहां पे सब सारी चीजें सामने दिखती है, सामने होती है, इसलिए ये लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं। तो उन पीपल के लिए बहुत अच्छी रेमेडी पायरोजन। यस, सो पीपल हु फील दिस इज अ मैनिया टाइप, बहुत से लोगों को ये बीमारी होती है कि अनवांटेड परचेसिंग करना, वो खुद को रोक ही नहीं पाते, उनका जो परचेसिंग का डिजायर होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उन पर्संस के लिए पायरोजन इज द बेस्ट रेमेडी। सो पीपल हु फील दे हैव लॉट ऑफ मनी बट डोंट ब्रैग अबाउट इट बट यूज इट विद इनडिस्क्रिटली और इनडिस्क्रिशन, इनके लिए एक रूब्रिक भी हम इस कंडीशन पे ले सकते हैं, डिल्यूजन रिच पीपल हु ऑलवेज टेक्स मनी टेक्स मेनी कमिटमेंट्स इन हैंड, दे थिंक दैट दे कैन अकम्प्लिश अ ह्यूज टास्क ऑन हिज ओन। यस, ये पर्टिकुलरली एक आदत है बहुत से लोगों में होती है कि उनकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं होती है बॉडी की, माइंड की, फिर भी वो टास्क अपना लेते हैं, वो टास्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना। बहुत बार हम बोलते हैं कि भाई अपने हिसाब से काम लो, या फिर अपने जितनी ताकत है उतना ही सोचो, उतना ही करो, लेकिन इनको ये आदत होती है पायरोजन को कि पीपल हु ऑलवेज टेक्स मेनी कमिटमेंट्स इन हैंड्स, दे थिंक दैट दे कैन अकम्प्लिश अ ह्यूज टास्क ऑल ऑन हिज ओन। ही कैन टेक मेनी टास्क दैट सीम्स इम्पॉसिबल टू अचीव, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिल्यूजन ही हैज मेनी आर्म्स एंड लेग्स। यस, तो इस कंडीशन के लिए ये बहुत अच्छा रूब्रिक है, डिल्यूजन ही हैज मेनी आर्म्स एंड लेग्स। तो अब देखो, जैसे कि हमने पिक्रिक एसिड देखा, तो पिक्रिक एसिड और फॉस्फोरस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, पायरोजन में और बराइटा में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, क्योंकि इंडिस्क्रिशन बराइटा में आएगा, जो इनोमनसली इरोनोमसली थॉट्स ऑफ ए थिंकिंग, ये बराइटा में भी है और बराइटा पायरोजन में भी है। देन इनडिस्क्रिशन मिसप्लेसनेस बराइटा में भी है और पायरोजन में भी है। यस, सो पायरोजन और बराइटा में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, बराइटा सल्फ और पायरोजन में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। जब आप पायरोजन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। यस, माइंड एंड थॉट्स ऑफ पायरोजन, तो हमने देखा है कि माइंड पायरोजन का और थॉट्स कैसे होते हैं, वेरी फास्ट फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग एंड वॉइस बिकम वेरी वीक। थिंक ऑफ पायरोजन, माइंड वेरी फास्ट, थॉट्स वेरी फास्ट, बट वॉइस इज वेरी वीक।
लो वाइज थिंक ऑफ बायोलॉजी। यही चीज ओपीएम में कैसी है, माइंड फास्ट बॉडी वीक, पायरोजन में माइंड फास्ट वॉइस वीक, ओपीएम में माइंड फास्ट बॉडी वीक, एंड आर्निका में बेड फील्स हार्ट सोरनेस एंड अचिंग इन द बॉडी। यस, तो ये पायरोजन में, बराइटा में, ओपीएम में, आर्निका में ये सिमिलैरिटीज है। यस, देन डिल्यूजन्स, कौन से डिल्यूजन पायरोजन कवर्ड करता है, दे फील दे आर वेरी मनी पर्सन और वेल्दी पर्सन, रिच पर्सन, दे फील देयर बॉडी इज वेरी लार्ज एंड कैन फिल अप द होल बेड। यस, इसके अगेंस्ट जो, जैसे कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और बड़ा बेड चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बेड पे सोना, मेरा बेड बहुत छोटा, मुझे सोते वक्त मेरा बेड मुझे बहुत छोटा लगता है। सो ये उन पर्सन्स के लिए, उन थॉट्स के लिए ये रूब्रिक है कि दे फील्स देयर बॉडी इज वेरी लार्ज एंड कैन फिल अप द होल बेड, दे फील दे हैव मेनी आर्म्स एंड लेग, बिकॉज ये उस कंडीशन के लिए हमें रूब्रिक लेना है जो लोग अपने कैपेसिटी के बाहर का टास्क ले लेते हैं, अपने कैपेसिटी के बाहर का काम हाथ में ले लेंगे, उन पर्सन्स के लिए। सो टू मेनी थॉट्स क्राउड अपॉन मेक्स हिम स्लीपीनेस। तो माइंड इतना चलता है, इतना चलता है, इतने थॉट्स, इतने दूर तक वो सोचते सोचते रहते हैं, उसकी वजह से नींद नहीं आती है, फील स्लीपीनेस बट नींद नहीं आएगी। देन फैंसी इज रिच, सो दे ऑलवेज थिंक आई एम रिच, आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई हैव लॉट ऑफ वेल्थ, उनके लिए ये रूब्रिक है फैंसी इज रिच। यस, तो दिस इज पायरोजन, नेवर वेल सीन सेप्सिस, नेवर वेल सीन सेप्सिस, और सेप्सिस दैट इज द इंफ्लामेटरी कंडीशन, पायोजेनिक कंडीशन, वूंड्स, एनिमल बाइट्स, स्नेक बाइट्स एंड डिसेक्टिंग वूंड्स, जैसे कि कुछ कट हो गया था, कुछ लग गया था, लेकिन वो वूंड भर ही नहीं रही, वो वूंड हील ही नहीं हो रही है, बार बार वहां पे सेप्सिस होता है, पस होता है। यस, इन्फेक्टेड वूंड्स, सो दिस इज द पायरोजन। देन क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन, क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन, तो बहुत सारे पेशेंट्स में ये होते हैं कि जैसे कि कोई पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारा कोई रिलेटिव एडमिट था और मैं वहां 8 दिन रुका, जब से मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, जब से मुझे कुछ ना कुछ होते ही रहता है। यस, जब से मेरा वीकनेस नहीं जा रहा है, जब से मुझे ये खांसी स्टार्ट हो गई, कब स्टार्ट होगा, अभी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इस टाइप के क्रॉनिक इफेक्ट्स के लिए पायरोजन इज द बेस्ट रेमेडी। स्लो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस सेट्स इन आफ्टर एक्यूट एपिसोड ऑफ सेप्सिस इज ओवर, स्लो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, सिंपल सेप्सिस हुआ, उसके बाद जो अल्सरेशन हुआ तो वो बढ़ती जा रहा है, बढ़ती जा रहा है, वो हील ही नहीं हो रहा है, क्रॉनिक अल्सरेटिव स्टेज पायरोजन। नो चाइल्ड कंसेप्शन आफ्टर यूटेराइन डेथ ऑफ प्रीवियस फिटस। यस, नो कंसेप्ट, ये बहुत पीक्यूआरएस सिम्टम है पायरोजन का, कि बहुत से पेशेंट में ये कंप्लेंट होती है कि फर्स्ट बेबी का स्टिल बर्थ हुआ और उसके बाद कंसेप्शन नहीं हो रहा है, सो उनके लिए पायरोजन इज द बेस्ट रेमेडी। नो चाइल्ड कंसेप्शन आफ्टर यूटेराइन डेथ ऑफ प्रीवियस फिटस, ब्लड पॉइजनिंग इफेक्ट आफ्टर एबॉर्शन। यस, सो स्टिल बर्थ के लिए, देन एबॉर्शन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है पायरोजन, बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ दिस कंडीशंस। सो ब्लड पॉइजनिंग इफेक्ट आफ्टर एबॉर्शन, ब्लड पॉइजनिंग दैट रिटेन्स मिसकैरेज, देन कार्डियक वीकनेस आफ्टर एक्यूट मलेरिया और क्रॉनिक मलेरिया, कार्डियक वीकनेस, मलेरिया के बाद जिन पेशेंट्स में पाल्पिटेशन होता है,
बीपी लो या फिर हाई होता है, उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है पायरोजन। यस, तो दिस इज द पायरोजन। बहुत टिपिकल पॉइंट्स यहाँ पे पायरोजन के बताए हैं। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे ड्रग्स के सिमिलैरिटीज है, लेकिन कुछ पीक्यूआरएस सिम्टम्स लेके यहाँ पे मैंने बताया। देन पेट्रोलियम, बाशफुलनेस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर सम टिपिकल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे कि बाशफुलनेस। देन द बाशफुलनेस अराइजेस फ्रॉम इट्स टिमिड नेचर। बेसिकली ऑल कार्बन्स आर टिमिड एंड इंट्रोवर्टेड, दे डू नॉट मिक्स इजिली विथ पीपल ऑन अकाउंट ऑफ देयर शाइनेस, लाइक बराइटा, लाइक नाइट्रम। यस, सो दे डू नॉट मिक्स इजिली विथ पीपल बिकॉज ऑफ शाइनेस। टिमिडिटी अल्टरनेट्स विथ एक्साल्टेशन, अल्टरनेटिंग स्टेट सीन इन दिस रेमेडी। यस, सो बेसिकली ये कार्बन्स का ही सिम्टम है कि अल्टरनेटिंग स्टेट्स आर सीन इन दिस रेमेडी। देन टिमिडिटी अल्टरनेट्स विथ सैडनेस, एसेंट्रिसिटी अल्टरनेट्स विथ सैडनेस, मर्थ लाइवलीनेस अल्टरनेट विथ सैडनेस। तो अल्टरनेटिंग सिम्टम्स आर फॉर पेट्रोलियम। विजयकर सर ने पेट्रोलियम की एक बहुत अच्छी केस शॉर्ट बताई थी, शॉर्ट में आपको बताता हूँ। अ गर्ल हु वॉज वेरी शाय बट हर शाइनेस वुड डिसअपीयर व्हेन शी वुड गो ऑन स्टेज। बहुत अच्छा सिम्टम है। अ गर्ल हु वॉज वेरी शाय बट हर शाइनेस वुड डिसअपीयर व्हेन शी वुड गो ऑन स्टेज टू परफॉर्म। शी कुड डांस वेल, सिंग वेल एंड होल्ड द ऑडियंस विथ हर परफॉर्मेंस, बट जाने के पहले बहुत टिमिडिटी शाइनेस होता है, लेकिन एक बार वो स्टेज पे गए फिर वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे कि वो किसी को जगह पर से हिलने भी नहीं देंगे। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस पेट्रोलियम का होता है। व्हेन शी वॉज इन फुल फ्लो, व्हेन इट केम टू वन डिस्कशन, शी वॉज वेरी टिमिड एंड अफ्रेड ऑफ एनी न्यू पर्सन बिकॉज ऑफ शाइनेस एंड टिमिडिटी एंड इंट्रोवर्टेड नेट्स ऑफ कार्बन। सो गर्ल्स हु आर टॉम बॉय और बॉयश हु लाइक टू ड्रेस अप लाइक अ बॉय, इंडल्ज इन एक्टिविटीज यूजली बॉयज एंजॉय। सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। जिन सॉरी जिन गर्ल्स में ये आदत होती है कि लड़कों जैसा रहना, लड़कों जैसी बातें करना, लड़कों जैसे ही कपड़े पहनना, लड़कों जैसे शूज पहनना, लड़कों जैसे चलना, लड़कों जैसे एक्शन करना, दिस इज द टॉम बॉय और टॉम बॉयश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। तो इन गर्ल्स में पर्टिकुलरली पेट्रोलियम इज द रेमेडी। अगेन मैंने पेट्रोलियम से और एक केस बहुत अच्छी ट्रीट की, जो एक 20-21 इयर्स एज की एक लड़की पेशेंट मेरे पास आई। एक्चुअली उसके फादर उसे लेके आए और फादर ने इसलिए लाया कि उस लड़की ने मम्मी पापा को बैठाया घर में। वो एक्चुअली इंजीनियरिंग कर रही थी और जैसे उसका 10th हुआ, 10th के बाद वो पेरेंट्स ने उसे बाहर पढ़ने के लिए रखा। 11th 12th उसका बाहर हुआ। मदर एंड फादर बोथ आर टीचर्स, तो दोनों भी अलग अलग अपने अपने जॉब पे जाते थे, स्कूल में जाते थे सुबह 10 से 5 बजे तक, और आने जाने में ऐसे उनके बहुत सारा टाइम उनका चले जाता था, तो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं रहता था, इसलिए उन्होंने उसे हॉस्टल में रखा और
उसका 10th, 11th और 12th हॉस्टल में हुआ। उसके बाद उसका इंजीनियरिंग में नंबर लगा, वापस वो बाहर चली गई घर से, और उसका फाइनल ईयर फिनिश हो गया था बीई का। और वो फिनिश होने के बाद घर पे आई, मदर फादर को बैठाया और फादर के सामने एक बात रखी। वो बात सुन के फादर और मदर पूरे शॉक हो गए। वो बात ये थी कि उसकी एक फ्रेंड थी सिंस 10th, जैसे वो हॉस्टल में पढ़ने गई तब से उसकी एक फ्रेंड बनी। और उसके बाद वो फ्रेंड मेडिकल को गई, वो उसके फ्रेंड ने MBBS किया और इसने BE किया। दोनों अलग अलग सिटीज में थे, फिर भी दोनों के कांटेक्ट थे, क्योंकि कोई भी वैक्शन आया तो ये लड़के लड़कियां घर पे नहीं जाती थी, ये वो एक मेक को मिलने जाती थी। तो सिंस 10th उनका एक मेक की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा और उनमें लव हो गया। और यही बात उसने अपने पेरेंट्स के सामने रखी कि मुझे उस लड़की के साथ शादी करनी है। और बचपने से ये लड़की लाइक अ टॉम बॉय थी, पूरे उसके बॉयश हैबिट्स थे। उसने कभी अपने बाल नहीं बढ़ने दिए, बचपने से ही वो शॉर्ट हेयर्स उसके थे, हमेशा जींस पैंट शर्ट रही पहनती थी, शूज बॉयज के रहते थे, सब बॉयज के जैसे चलना करना, सब उसके लाइक्स डिसलाइक्स बॉयज के तरह थे। और उसने ये करके जो उसमें ये जो नेचर था उसका बॉयश कंप्लीटली, उसकी वजह से उसने इतना डेयर किया पेरेंट्स को बोलने का कि मुझे उस लड़की के साथ शादी करना है। उसका भी MBBS कंप्लीट हुआ और मेरा भी BE कंप्लीट हुआ। आप लोग हमें परमिशन दो चाहे ना दो, हम शादी करेंगे। पेरेंट्स परेशान हो गए और उसके फादर ने उसको क्लिनिक लाया, उसकी पूरी हिस्ट्री लिया। उसके बाद उसे उसकी मेडिसिन आई पेट्रोलियम, उसको पेट्रोलियम दिया। और पेट्रोलियम देने के बाद उसमें बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस चेंज आया। अभी वो लड़की जॉब कर रही है बैंगलोर में, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप है, लेकिन जो थॉट्स उनमें थे शादी करना है हम साथ में रहेंगे, ये थॉट्स निकल गए। अभी वो कहती है कि मैं लाइफ में शादी नहीं करूंगी, ऐसी बोलती है कि मैं लाइफ में शादी नहीं करूंगी, लेकिन मैं वो लड़की के साथ भी नहीं शादी करूंगी, मैं अकेला रहूंगी क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये यहाँ तक अभी वो केस में पहुंच गए कि भाई चलो उनका ये चीज के तरफ का थोड़ा सा जो भी अट्रैक्शन था वो कम हो गया। धीरे धीरे वो कन्वर्ट होगी अपने फेमिनाइन जेंडर की तरफ। उसका उसमें जो हार्मोन्स फेमिनाइन होने चाहिए वो भी शायद पेट्रोलियम से कवर होगा, पेट्रोलियम से आएगा। अभी उस केस में यहां तक पहुंच गए कि वो एक में का जो उसके साथ उन्होंने दो गर्ल्स ने शादी करने का फिक्स किया था वो डिसीजन उनका चले गया है। अभी वो कहते कि नहीं अब नहीं करना है, अब मैं हम ये बातों को समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि दिस इज नॉट अ फेयर। यस, सो दिस इज द केस। और वो केस अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन वो केस वो एक्चुअली ये अभी उसको ऐसा लगता है कि मैं मतलब क्लिनिक में नहीं आती है, वो ऑनलाइन मेडिसिन बुलाती है, उसके पेरेंट्स फोन पे ही बात करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट उसमें ही पेट्रोलियम के बाद ये आया कि जो बोल्डनेस उसमें था बॉयज का वो भी कम हो गया है। और वो अगर फेस टू फेस क्लिनिक में ना आना नहीं चाहती है बिकॉज ऑफ उसमें टिमिडिटी आ गई, शाइनेस आ गया। और दिस इज ऑल्सो द गुड थिंग, मैं समझता हूँ कि ये विथ हेयरिंग्स लॉ हो रहा है, क्योंकि ये चीजें भी आना मतलब उसमें फेमिनाइन सिम्टम्स आना शुरू हो गए। सो दिस इज गुड लर्निंग फॉर मी। यस, सो बहुत अच्छी केस है, पेट्रोलियम से बहुत अच्छे तरह से उसे रिजल्ट आ रहा है। यस, सर, इस ये आने में कितने दिन लगे? ये नियर अबाउट 1 ईयर।
सर मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज होगी क्या उसमें? मेंस्ट्रुअल उसको पहले थे ही नहीं, अभी स्टार्ट अच्छा हो गए। चलो सर, वेरी गुड साइन। यस, पहले मतलब स्टार्टिंग में उसको प्यूबर्टी हुआ, एक दो साल उसको मेंसेस आए, उसके बाद धीरे धीरे वो स्कैंटी होते गए, फिर इरेगुलर हुए, फिर स्टॉप हो गए। तो साल में, 2 साल में एक आधी बार उसको होता था मेंस्ट्रुएशन, बाद में नहीं होता था। यस सर मेरे पास भी ऐसी एक केस थी, यस वो बच्ची पे सेक्सुअल अब्यूज बचपन में हुआ, अभी वो 22 ईयर्स की है, वो फीमेल में वो मेल है, तो बोलते कि मैं फीमेल में मेल हूँ और मुझे फीमेल के साथ ही रहना अच्छा लगता है, मेरा पार्टनर है ये है वो है, तो ये भी सेक्सुअल अब्यूज भी कॉज होता है ऐसे टर्न होने में यस इन चाइल्डहुड। होता है 100% बिकॉज ऑफ हैट्रेड, बिकॉज ऑफ एवर्जन। यस, और ऐसी पेट्रोलियम से मैंने और एक केस ट्रीट किया, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे आए। एक टॉम बॉय ही था एक्चुअली। वो लेडी मेरे पास बहुत लेट आई, मतलब उसका एज, जब वो मेरे पास आई थी तो उसका एज 35 ईयर्स था, और वो एक मैरिड लेडी के रिलेशनशिप में थी। वो लेडी एक मैरिड लेडी के साथ, वो उसकी नेबरर थी, और दोनों में बहुत सालों से रिलेशनशिप थी। लेकिन वो केस थोड़ी अलग ऐसी थी ये केस से, कि जिसके साथ, जो मैरिड लेडी के साथ वो रिलेशनशिप में थी, उस वो लेडी के हस्बैंड को ये इनका पता चला, तो उसकी वजह से वो कपल वहां से शिफ्ट हो गया दूसरी जगह। उस वजह से ये बहुत डिप्रेशन में चली गई। फिर बहुत सारे सिम्टम्स उसमें आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, उसको थायराइड प्रॉब्लम हुआ, उसको डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उसमें तैयार हो गए थे। तो वो सब बातों को लेके वो मेरे पास आई थी। फिर फर्स्ट टाइम तो उसने ये सब कुछ बताया नहीं था, लेकिन जैसे मैंने बताया उसको और डिटेल में, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाया, थोड़ा फेथ उसका बढ़ने दिया, उसके बाद उसने हिस्ट्री दिया, फिर ये सब चीजें सामने आई, तब उसको पेट्रोलियम दिया, तो उससे वो जो भी स्टेसिस उसमें हुआ था वो पूरा निकल गया। नाउ सी इज वेरी वेल डूइंग, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, वो बहुत अच्छी है अभी। यस सर इसके लिए रूब्रिक क्या लेते हैं सर, ऐसा ऐसे स्टेट में? इसमें हमने रूब्रिक पढ़े हैं, इसमें मोस्टली डिल्यूजन के रूब्रिक होते हैं। डिल्यूजन आप देखो, उसमें पर्सनल एरर और कंफ्यूजन अबाउट आइडेंटिटी, ये रूब्रिक्स उसमें आएंगे। जैसे कि मैनिश हैबिट्स इन गर्ल्स, ये रूब्रिक बहुत सिंपल हो जाते हैं, ये उतने स्ट्रॉन्ग सिपिलिटिक नहीं है जितने आप जैसे कि आइडेंटिटी पे जाएंगे, कंफ्यूजन पे जाएंगे, पर्सनल एरर्स पे जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे रूब्रिक्स मिलेंगे। यस, यस देन होमोसेक्सुअलिटी, एवर्जन टू ओन सेक्स, यस, या फिर लव फॉर ओन सेक्स, ओके, यस नाउ कालीज। काली हमने पढ़ा है, फिर भी मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ नया इसमें दिखा करके मैं 2 पॉइंट आपको बता देता हूं, कि जैसे कि हमने अभी बाशफुलनेस देख रहे थे, तो काली इज आल्सो वेरी मच बाशफुल। सो बाशफुलनेस ऑफ कालीज आर, तो कौन से कालीज है जो बाशफुल कवर करते हैं? तो काली बीच, काली ब्रोम, काली आयोड, काली फॉस एंड कॉस्टिका, दीज आर द 5 कालीज कवरिंग बैशफुलनेस। सो बैशफुलनेस में ओनली दीज 5 कालीज कवरिंग दिस बैशफुलनेस, बट टिमिड, बट दे आर नॉट बैशफुल। टिमिड होते हैं बट विदाउट बैशफुल, जैसे कि बराइटा बैशफुल बिकॉज ऑफ टिमिडिटी होता है। यस, बट यहाँ पे टिमिड है लेकिन बैशफुल नहीं है, तो वो है काली का, काली सन, काली आर्स एंड काली वियोग। तो ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कालीज के लिए फॉर बैशफुलनेस।
नाउ द रेयर रेमेडी, बहुत रेयरली यूज होती है कोका. कोका भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है फॉर बैशफुलनेस. सो इट इज सुटेड टू चीयरफुल पर्सन हु इज ऑलवेज अ स्टेट ऑफ इक्टैसी एक्सिलरेशन. यस इट इज सुटेड टू चीयरफुल पर्सन, जो पर्सन बहुत चीयरफुल होते हैं, ऑलवेज चीयरफुल जो होते हैं, who is always in a state of ecstasy. So cheerfulness alag, cheerfulness it is sorry, but when this cheerfulness becomes out of control, it becomes the ecstasy, that is syphilitic. Exhilaration of cheerfulness is syphilitic, and this is covering the coca. So jo bashfulness hai, bashfulness it is sora, but when this bashfulness become syphilitic, then it goes out of control. So though he is cheerful, he does not like company, prefers to be alone. Cheerful hai, lekin wants aloneness. Ek case maine abhi abhi ek matlab online calling pe maine ek case ko consult kiya. एक लड़का है जो यूएसए में रहता है और उसका मतलब अभी तक मैरिज नहीं हुआ है और वो मैरिज नहीं करना चाहता है. वहां पे उसने बंगलो लिया, बहुत अच्छा गाड़ी बंगला, उसके जॉब बहुत अच्छा है और अकेला रहता है. यहाँ से किसी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं लेके गया, कुछ नहीं, वहां अकेला ही रहता है इतने बड़े बंगलो में. और बहुत सारे फ्रेंड्स है, बहुत सारे फ्रेंड्स है. फ्रेंड्स लोग मतलब पार्टियां करते हैं, आउटिंग को जाते हैं, ये उनके साथ जाता है लेकिन कभी ये एंजॉय नहीं करता है. चीयरफुलनेस बहुत है लेकिन वो लोग मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, एंजॉय करेंगे, ये अपने एक चेयर पे बैठता है, उनको देखते रहता है, उनका एंजॉयमेंट देखते रहता है. दिस इज चीयरफुलनेस बट प्रिफर्स टू बी अलोन. अकेला बैठे रहेगा. आप नाचो, आप डांस करो, आप एंजॉय करो, आप स्विमिंग करो, आप गेम खेलो, लिए अकेला बैठे रहेगा. अकेला अपना मोबाइल लेके बैठे रहता है या फिर उनको देखते रहता है. लेकिन उन्होंने कहा कि भाई साथ में चलो तो मैं जरूर जाता हूँ, बोले. मैं किसी को नहीं नहीं बोलता, मैं जरूर जाता हूँ, लेकिन वहां जाने के बाद वो लोग एंजॉय करते, मैं अपना अपना एंजॉय कर लेता हूँ. मैं अपना अकेला बैठता और मुझे अकेला ही अच्छा लगता है, या फिर वो लोगों के साथ जाता हूँ और मैं कहीं थोड़ी सी साइलेंट जगह देख के वहां पे बैठे रहता हूँ. दिस इज द कोका. बहुत अच्छी केस है और इतना हैंडसम लड़का है, लीन थीन है, बहुत अच्छा लड़का है. और उसको पूछा शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो नहीं बोले मुझे शादी नहीं करना है क्योंकि मुझे इंडिया में नहीं आना है, मुझे यहीं रहना है. और मैं यहाँ फिर वहां पे किसी कोई लड़की वहां की देख के प्रॉपर आप शादी कर लो, नहीं बोले मुझे शादी नहीं करना है, मुझे अलोन रहना है, मुझे अकेला रहना है. मैं मेरे लाइफ में बहुत खुश हूँ, बोले मैं मेरी लाइफ बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मैं शादी करके परेशानियां नहीं बढ़ाना चाहता. दिस इज द वर्ड ऑफ दैट पेशेंट. तो उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे, उसके पेरेंट्स मेरे पास आए कि आप किसी तरह से उससे बात करो और उसको मेडिसिन दो कि वो शादी करे या फिर इंडिया तभी आए वापस. तो बहुत अच्छी केस थी जो जिसे मैंने कोका दिया. यस दो ही इज चीयरफुल, ही डजंट लाइक कंपनी, prefers to be alone, they are timid and bashful. He doesn't have moral feeling, doesn't have moral feeling. He is a liar, sense of right and wrong abolished, personal appearance neglected. Yes, देखो अब यहाँ पे ये symptoms देखो कितने match उस case से होते हैं कि personal appearance neglected, personal life से वो completely neglect कर रहा है कि नहीं मुझे marriage नहीं करना है, मुझे personal life नहीं, मैं मेरे life में खुश हूँ, जो भी है जैसी भी है मेरे लिए बहुत अच्छे, मैं मेरी life enjoy कर रहा हूँ.
लेकिन जो सामाजिक दृष्टि से हम देखते हैं दैट इज द निग्लेक्टिंग पार्ट। देन सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एबोलिश, कि भाई जिस जिस चीज को उसने रॉन्ग ठहरा लिया वो रॉन्ग ही है उसके लिए। जैसे कि भाई शादी नहीं करना है, मैं उस परेशानी में नहीं गिरना चाहता हूं, मतलब ही इज थिंकिंग द मैरिज इज रॉन्ग। सो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज एबोलिश। यस ही इज अ लायर। कि देखो यहाँ से पढ़ लिख के पेरेंट्स ने उसे पढ़ लिख के बड़ा किया और वो उधर चले गया। अब पेरेंट्स को बोलता है मुझे इंडिया नहीं आना है। दिस इज अ लायरनेस। यस सो ही डजेंट हैव मॉरल फीलिंग्स। यस सो दिस इज द कोका, आई मीन बैशफुलनेस बट एक्सिलरेशन। देन इट इज द रेम। अब देखो एक्सिलरेशन भी इस केस में कैसे आएगा, कि इट इज सुटेड टू चेयरफुल पर्सन हु इज ऑलवेज इन स्टेट्स ऑफ एक्टेसी। अब इस केस में एक्टेसी कैसे आएंगे, कि वो अकेला एंजॉय करना चाहता हो, कहीं पे भी वो अकेला एंजॉय करता है, किसी के साथ एंजॉय नहीं करेगा। लेकिन मैं मेरे लाइफ में खुश हूं, दिस इज द एक्सिलरेशन और एक्टेसी। उसके उसका जो भी वो जिस चीज को एंजॉय समझ रहा है, जिस चीज को लाइफ समझ रहा है, फिर जो चीज वो एंजॉय कर रहा है, दिस इज द एक्टेसी। इट इज द रेमेडी फॉर द एग्जॉशन ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। चाइल्ड हु इज रेस्टलेस एंड फिजिकली वेरी एक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन एज इफ अ वर्म ऑफ और अ स्मॉल फॉरेन बॉडीज वेयर अंडर द स्किन मूविंग अवे व्हेन टच। इफ दिस सिम्टम इज एसोसिएटेड विद एनी डिजीज कंडीशन कोका इज इंडिकेटेड। बहुत सारे पेशेंट में ये सिम्टम होता है कि हमें ऐसा लगता है कि स्किन के नीचे कुछ सभी चल रहा है, कुछ सभी कीड़े चल रहे हैं, कीड़े क्रावलिंग कर रहे हैं लाइक दिस। सो दिस इज द सिम्टम ऑफ कोका। वी शुड थिंक अबाउट कोका इन बाशफुल किड्स सिंस इट इज 3 मार्क रेमेडी फॉर बाशफुलनेस। कोका। यस तो दिस इज फिनिश टुडेज टॉपिक। तो कल से हम दूसरा टॉपिक लेंगे। मटेरियल हम यही रुका देते हैं, बाद में कुछ ड्रग्स और ले लेंगे आगे। यस तो आज के इन मेडिसिन्स में क्या अच्छा लगा आप लोगों को बताइए। यस लड़के में कोखा देने के बाद कुछ चेंज आएगा? नहीं वो केस मैंने अभी अभी लिया है। उसको मैंने 3 महीने की अच्छा मेडिसिन भेजा, मतलब भेजा नहीं प्रिस्क्राइब किया है। 3 महीने बाद उसका फॉलोअप मुझे मिलेगा। यस यस डॉक्टर बिनोज। सर, एक केस है, 15 इयर्स ओल्ड बच्ची है, तो उसको ओसीडी है, डिसलेक्सिया है, और बहुत ज्यादा क्लिंगिंग है, यानी इतना सोशल फोबिया है उसको कि नीचे वॉक करने जा बोलो तो भी मम्मी चाहिए साथ में, और पैनिक यानी कि डॉग्स या इंसेक्ट्स इसको देख के पैनिक नहीं चली जाती इतना, तो किस कैसे अप्रोच करना चाहिए और क्या पहले जाना चाहिए इसमें? सबसे पहले तो आप अच्छी तरह से उसकी हिस्ट्री लो कि ये सब चीजें उसमें क्यों आए, ये बाद में आए या फिर बाय बर्थ है। ठीक अडॉप्टेड अच्छा तो कुछ बैक हिस्ट्री कुछ मिलती है उसकी सिर्फ यही पता बच्चा कि में। मदर एचआईवी पॉजिटिव थी, लेकिन उससे उनको एंटी रेट्रोवायरस वगैरह दिया गया है, तो बच्ची इनिशियली यानी पीटर्स बाय बर्थ वो एचआईवी पॉजिटिव थी, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज वो नेगेटिव बच्ची निकली, फिर नहीं पता चला है और ज्यादा। मतलब उसका बाय बर्थ सिपिलिटिक हिस्ट्री है, बाय जी बर्थ उसका मायोजम प्रोमिनेंट सिपिलिटिक है, इसलिए हमें रेमेडी भी सिपिलिटिक लगेंगी। तो ऐसे कंडीशन में जो वायलेंट रेमेडीज होते हैं जो सिपिलिटिक है, जैसे कि अभी जो भी चीज है वो ओवर पावरिंग है, जैसे फियर फियर उसकी ओवर पावरिंग है ना। तो मोस्टली इसमें वो रेमेडीज जो स्ट्रांग सिपिलिटिक है वही वही रेमेडीज आएंगी।
और उसके पूरे सिम्टम्स लेने के बाद क्या क्या स्ट्रॉन्ग सिपिलिटी है वो पिकअप करो। पहले क्या है, मीन्स ये पैनिक और फियर वो जाना चाहिए पहले या यस उस? यस, जो भी स्ट्रॉन्ग सिपिलिटी है वो सबसे पहले जाएगा। ओके यस वो तो अब जितना यानी उसे पता है कि वो अडॉप्टेड चाइल्ड है, बचपन से ही पता था उसको, लेकिन अभी तो वो अपने माँ बाप को भी नाम से बुलाती है, ऐसे थोड़ा एस्केपिज्म ऐसा उसका एटीट्यूड है टुवर्ड्स ये, हो सिचुएशन से भाग जाना चाहती है, ऐसे फेस नहीं करना है, डरती है. डिफाइंड नेचर भी है उसका। ओके यस ये सबसे पहले जाएगा। तो डायरेक्ट 1 M से शुरू करूँ या टू नो, हंड्रेड 200। 200 से? ओके सर, ठीक, थैंक यू सर. ओके यस, तो वो दिन से हम लोगों ने कुछ बातचीत ही नहीं की, इसलिए बोलिए फटाफट। यस सेशन बहुत अच्छा रहा सर, पायरोजन और जो मेडिसिन में थी पिक्रिक एसिड, बहुत अच्छा लगा ये इसका। थैंक यू सर। देखो, मैंने एक चीज देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स सेक्सुअल वीकनेस, सेक्सुअल एक्सेस, एक्सेसिव मैस्टरबेशन, एक्सेसिव नाइट इमिशंस, इसके लिए एसिड कॉस प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन एसिड कॉस से भी बेटर रेमेडी है पिक्रिक एसिड। एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव मैस्टरबेशन, एक्सेसिव इंडल्ज ऑफ सेक्स इज पिक्रिक एसिड। सो ओके, तो कल फिर मिलेंगे, तो बाय बाय, सी यू, कर ले। थैंक थैंक यू यू सर, यस थैंक यू सर, गुड डे सर, ओके, बाय थैंक बाय, यू सी सर, यू, थैंक थैंक यू। यू सर.